नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। लापुंग प्रखंड के देवगांव पंचायत से मुखिया पद के कर्मठ जुझारू अनुभवी संघर्षशील एवं समाज सेवी प्रत्याशी संतोष तिर्की को दूरबीन छाप पर क्रम संख्या 5 पर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक फुलमणि देवी, पूर्व मुखिया। ग्रामीण जनता को मेरा और से सभी को जोहार है। मैं देवगांव पंचायत के पूर्व मुखिया हूँ। मेरा नाम है संतोष तिर्की और इस बार जो पंचायत चुनाव का जो सिलसिला चल रहा है उसमें प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी हूँ और मैं देवगांव पंचायत अंतर्गत सभी ग्रामीण जनता, माँ बाप, बहन और सभी कार्यकर्ता बंधु से मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस बार मुझे मौका दे, जो कि 11 साल का राज में जो विकास का जो हम लोग काम किए हैं उसमें कुछ अधूरा है। उन सभी विकास का योजनाओं को जगह मिलने पर 5 साल के अंदर पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। जैसे में पेंशन का मामला है, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, जो कि हम लोग के माध्यम से जो भी आवेदन आया उस आवेदन को निपटने का काम किया हूँ और कहीं कहीं कुछ छूटा हुआ है तो उसको भी मैं मौका मिलने पर पूर्ण करूँगा। तो जैसे मैं अभी सभी देवगांव पंचायत अंतर्गत में गांव में गली में सभी जगह लगभग पीसीसी का काम किए हैं हम लोग। फेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ है, जगह मखड़ा का निर्माण हुआ है, चबूतरा का निर्माण हुआ है, तालाब में नहाने के लिए सेट का निर्माण हम लोग किए हैं और उसमें बहुत कुछ छूटल है। अगर इस बार मुझे देवगांव पंचायत के ग्रामीण जनता से उम्मीद रखता हूँ कि अगर मुझे 5 साल अगर मौका फिर देते हैं तो सभी जरूरतमंद का काम को मैं प्रयास निपटने का करूँगा। इसलिए सभी ग्रामीण जनता से लेके कार्यकर्ता बंधु से मैं अपील करता हूँ कि इस बार का चुनाव में मेरा छाप है, दूरबीन छाप जो कि 5वां नंबर में है। मुझे गार्जियन यहाँ का अगर बनाना चाहते हैं, मुखिया बनाना चाहते हैं तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि 19 तारीख को मुझे भारी से भारी मत दूरबीन छाप में देकर विजय बनाएं।